एक बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भुवनेश्वर अघटन, पोखरी रे बुड़ी दुई छात्रों मृत्यु होइछि। पोखरी रे बुड़ी दुई दशम श्रेणी छात्रों मृत्यु होइछि। पोखरी पुटरे एक पोखरी रे बुड़ी जाइथिले दुई जना। कैपिटल हॉस्पिटल रे दुई छात्रों मृत घोषणा कले डाक्तर। किपरि पोखरी रे बुड़ी गले अस्पष्ट रहिछि। पुलिस रो तदंत जारी रहिछि। जहाँ एक बड़ खबर आसी पहुँचुची। भुवनेश्वर अघटन, पोखरी रे बुड़ी दुई दशम श्रेणी छात्रों मृत्यु होइछि। पोखरी पुटर एक पोखरी रे बुड़ी जाइथिले दुई छात्र। कैपिटल हॉस्पिटल रे दुई छात्रों मृत घोषणा करिछन्ति डाक्तर। किपरि पोखरी रे बुड़ी गले कारण अस्पष्ट रहिछि। पुलिस रो तदंत जारी रहिछि। एनी अधिक सूचना पई भुवनेश्वर प्रतिनिधि रोशन रथ आम सह फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ति। रोशन, जहाँ जमापड़ी पोखरी पुटर एक पोखरी रे बुड़ी जाइए दुई जन, कैपिटल हॉस्पिटल दुई जन को मृत घोषणा कर डाक्तर। दुखद खबर आई जन छात्र पोखरी बुड़ी मृत्यु क्यों परिस्थिति रे किमिति से पोखरी को गाधेवा को जाइले बर्तमान सुधा स्पष्ट होनी सत कितु जहां सूचना मिली प्रारंभिक सूचना से गंडमुंडा जो हाइस्कल रही हाइस्कल शुभम जेना और प्रकाश महाराणा यही दुई छात्र ट्यूशन सारी घर को फेरुले से समय चार जन सांग सहित मिशी पोखर में गाधेवा को जाइए और गाधेवा बेले हठात से गभर पानी को पशि जाइए जहापर से पोखरी कूल को उठिके आसी पारि नथिले एवं पोखरी पानी रे ही बुड़ी जाइथिले। पर अग्निशम बाहिनी की खबर दिया जाइथिला एवं अग्निशम बाहिनी पहुंची माने को उद्धार करथिला। उद्धार परे उभां को कैपिटल मेडिकल अणा जाइथिला। सेठारे जेहेतु चेतासून्य थिला सेठारे कैपिटल मेडिकल में डाक्टर प्राथमिक चिकित्सा पर उभय छात्र को मृत घोषणा करछन्थि। तो बर्तमान बॉडी को पोस्टमार्टम पई रखा हैछि। पूरा कैपिटल मेडिकल परिसर रे उभां को छात्र को परिवार लोक रुंड होइछन्थि एवं शोकाकुल परिवेश सृष्टि हैछि।